I'm just representing right now, coming for audition for Miss Industry India, Iconic Personnel 2019. I'm very happy and very privileged to here to participation in this event. Thank you. Hi, my name is Madhumita Chakravarti. I have come for audition for India Mrs. India Iconic Personality, and this is a very good platform for us, and this is a good opportunity, and for me is I am very happy to be a part of this. Thank you. Hi, myself Praneet Kaur. I'm here for Mr. and Mrs. Iconic Personality 2019, and I'm very happy to being a part of this event. Thank you. Hello, my name is Asta Redmi. I'm here Mr. and Mrs. I am here for Mr. and Mrs. Iconic Personality 2019, and it was a great platform and it was a great experience, and thanks a lot to the whole jury, the judges. भाई यहाँ पे first audition होने के लिए जा रहा है और ये बहुत successfully जा रहा है. हम लोग बहुत अच्छे से ये enjoy भी कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी models, जितने भी pageant जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से एडेंस के साथ साथ हम एंजॉय भी कर रही हूँ. मतलब बहुत एक्साइटेड होकर हम काम कर रहे हैं. खुद का इवेंट है तो हम शुरुआत मुंबई से किया. आई एम बॉलीवुड सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर, सी इज़ ए बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट. सो हमने इसीलिए मुंबई से शुरू किया. हम दोनों बॉलीवुड से हैं, हम दोनों मुंबई से हैं, तो इस फैशन इंडस्ट्री से फैशन का शुरुआत हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ आज पहली बार ऑडिशन लिया, फर्स्ट टाइम. तो बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ. थैंक यू फेम मीडिया, उन लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया. थैंक यू अखिल इमेजिनेटर, उन्होंने इतना हमको हेल्प किया स्पॉन्सर वाइज. सो आई एम वेरी प्राउड एंड ग्लैड. तो आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हो, इतना अच्छा आप लोग हमको सहानुभूति दे रहे तो आगे तक जाने के लिए. तो अभी हम लोग का आज फर्स्ट ऑडिशन है, नेक्स्ट हमारा सूरत में होने वाला है 23 जुलाई को. उसके बाद में अहमदाबाद में होंगे, उसके बाद गुवाहाटी में है 21 जुलाई. सो उसके बाद राजकोट में भी है हमारा ऑडिशन. तो हम लोग ग्रैंड फाइनल कर रहे हैं ये वहाँ पे अहमदाबाद होटल नारायणी हाइट्स, वहाँ पे हम फाइनल कर रहे हैं. तो बहुत दूर दूर से हम बहुत कम समय में इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो हम दोनों मतलब हम दोनों का लक अच्छा है, हम दोनों का लक भी फेवर कर रहे हैं. भगवान हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, और आज जो कंटेस्टेंट हमारे बीच आए हैं वो ना मॉडल है ना एक्टर है, उन लोग बहुत अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा पर्सनैलिटी है सबका, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. तो उन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ सबको ही फाइनल करूँ, ग्रैंड फाइनल तक ले जाने के लिए उन सबको मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ. तो इतना अच्छा सब मॉडल वर्क कर रहे हैं, तो किसी को कैंसिल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता. तो आगे जजेस का ऊपर डिपेंड है, जजेस क्या निर्णय देते हैं. तो हम एज ए ऑर्गेनाइजर तो हम सबको फाइनल सो फाइनल तक ले जाने के लिए रेडी है. सो अभी जजेस का ऊपर डिपेंड है, जजेस कहाँ तक इनको लेके जाए. अनिशा जी, जजों के पैनल की अगर बात करें तो उनको देखिए, जजों की जहाँ तक बात करें, सारी सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि नगमा अख्तर है, अर्जुन यादव है, अजीत पंडित है, शार कश्यप है, हमारे साथ रीटा मावानी है, पलक रवेशिया है. तो जो काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी एक्सपीरियंस जूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है. और हमारा जो पेजेंट हो रहा है उसकी मेन खासियत ये है कि ज़्यादातर जितने भी पेजेंट होते हैं उसमें होता है ओनली मिस्टर एंड मिस, बट यहाँ पे हम लोग शादीशुदा लोगों को भी एंकरेज कर रहे हैं कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि शादी होने के बाद हमारी लाइन खत्म हो जाती है. तो हम लोग उनको भी मौका देना चाहते हैं, और यहाँ तक नहीं कि चलो 35 या 40 एज तक की, हमने यहाँ पे 50+ वाले को भी एक्सक्लूसिव राउंड में लिया है, ताकि अगर उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जाती उम्र में, बट जैसे एज हमारा ढलता है तो एक हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव राउंड भी रखा है, जहाँ पे 50+ वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑडिशन जा रहा है, आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप हमारे ब्यूटी पेजेंट पे जुड़ सकते हो. हमारा ब्यूटी पेजेंट जयपुर में भी है, राजकोट में भी है, सॉरी ऑडिशन हमारा जयपुर में भी है, राजकोट है, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गुवाहाटी,
सब जगह हमारा ब्यूटी पे सॉरी ऑडिशन होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में आज ऑडिशन हो गया तो बॉम्बे वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आज बारिश की वजह से काफी लोग हमारे साथ जुड़ नहीं सका है तो वो भी हमारे साथ बाद में वीडियो कॉल से भी जुड़ सकता है, और हमारे पास कोई भी इंक्वायरी चाहे ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकता है। तो मैं चाहती हूँ मीडिया वाले से भी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी पीजेंट को, मैं फेम मीडिया को भी बोल रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले हमारा ये जो है मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉनिक पर्सनालिटी 2019 को बहुत गोड्स का विशेष मिले। बस थैंक यू सो मच। देखिए और एक सवाल की इसके अलावा आज के अलावा कौन बॉलीवुड से कोई बड़े सेलिब्रिटी जुड़ने वाले हैं? या थैंक यू सो मच आरसी खान हमारे थैंक यू सो मच आरसी खान हमारे साथ आज जुड़ने वाली है, बट बारिश की वजह से वो कहाँ पर लेट हो गए, बट मे बी वो थोड़ा कम समय में ही है, वो या वो ऑन द वे है, वो आ सकती है, अभी कभी भी वो हमारे साथ जुड़ सकती है। तो इंद्रदेव भी आज खुश हो गए हैं आपके इस ब्यूटी प्रेजेंट को देखकर, एक्चुअली मुझे मुंबई के हम लोग आज जो बॉलीवुड में मुझे 12 साल हो गए हैं और मैं काफ़ी शोज में इन्वॉल्व रहता हूं। मैं मिस्टर इंडिया ग्लोब 2015 रहा हूं, मिस्टर सेल्फी किंग रहा हूं और कोरियोग्राफर हूं यहां पे। शो में मैं बैक स्टेज मैनेजर भी हूं और शोज भी देख रहा हूं, और मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और लोगों से, जहाँ मुझे लगता है लॉयल्टी है, लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आत्मविश्वास है, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं। तो मेरा सपोर्ट निशा जी को, स्नेहा जी को है। तो मैं शो में एज ए कोरियोग्राफर भी हूं, बैक स्टेज मैनेजर भी हूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी क्वालिटी है तो आप लोगों को दिखती रहेंगे। थैंक यू। ओके, हाय गाइस, आई एम एक्ट्रेस नगमा अख्तर। आई वर्क फॉर मेनी सीरियल्स एंड शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, आप गूगल में देख सकते हैं मेरा पूरा प्रोफाइल। मैं रिसेंटली अभी साउथ में एक कन्नड़ मूवी करके आई हूँ जिसका नाम है चाणक्षा, और प्रेजेंटली मैं प्राइम अमेजोन के लिए एक फिल्म शूट कर रही हूँ, इट्स अ फिल्म जिसका नाम है अय्याश दिल। तो शूट अभी चल रही है, सो माइट बी विद इन 2 months it will get complete and it will get released. And apart from that, I'm working for 2 music album by Zee Music, so the name is not fixed yet. So ye tha mera chota sa introduction, and I'm really blessed ki aaj Sneha ne aur Nisha ji ne mujhe yahan pe bulaya hai, is itne bade pageant ka mujhe ek hissa banaya, so I'm really glad. And see, you can see it's Miss, Mr. and Mrs. Iconic Personality of India 2019. So द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पेजेंट इज दैट कि यहाँ पे मिसेस जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे मैंने तब भी बोला था, सो इट्स अगेन अ एक्सपोजर फॉर द वुमन, फॉर द मैरिड वुमन हु हैव ड्रीम्स, हु हैव देयर इंडिविजुअल गोल इन लाइफ टू डू समथिंग, लेकिन वो किसी ना किसी कारण वो नहीं कर पाती हैं, बंध जाती हैं, या उनको उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन आज स्नेहा गोगोई और निशा देसाई जी के वजह से आज वो सब बंधन को तोड़ के वो यहाँ पे आएंगी और आ रही हैं, काफ़ी सारे आए हैं, उन्होंने ऑडिशन दिया है, बहुत अच्छा किया है। एंड देन अगेन वी हैव सीन टू वुमन आउट हियर हु इज़ लाइक 63, एक की एज 63 एंड अनदर वन इज 50। सो आप मतलब मुकाबला नहीं कर सकते, आप बोल नहीं पाओगे कि दे आर लाइक 63 और 50 उनका एज है, दे वर सो कॉन्फिडेंट, सो टैलेंटेड, सो इट्स सो गुड टू सी। एंड दे हैव अगेन, दे आर सेटिंग अ इंस्पिरेशन फॉर दैट एज वुमन, जो वुमन 50 क्रॉस करके उनको लगता है अभी उम्र हो गई, अभी हम क्या पेजेंट में जाए, कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करें। सो इट्स अगेन अ मोटिवेशन फॉर एवरी एज वुमन, एंड लिटरली इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई रियली विश देम गुड लक एंड होप इट्स अ वेरी बिग हिट। एंड एवरी ईयर, हर साल ये निशा जी और स्नेहा जी ये पेजेंट को लेके हमारे साथ आए, हमारे बीच में आए, ताकि और लोगों को मौका मिले इस पेजेंट का हिस्सा बनने का। थैंक यू सो मच। अर्जुन जैसे टाइटल है मिस एंड मिस्टर, मिस तो यहाँ देख रहे हैं, मिस्टर को मिस्टर बारिश में कैसे देखते हैं मिस? देखिए मिस्टर भी आएंगे, अभी हो सकता है बारिश की वजह से नहीं आए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए कि उनको अपना टैलेंट का, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका उनको मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी हमें लगता है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तब कुछ इवेंट होता नहीं है। तो
तो रेगुलरली जब कोई इवेंट्स होते रहेंगे तो कभी भी हमारा मन करेगा, किसी का भी करता है कि आज मैं डांस सीख गया हूँ या आज मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या मैं कहीं सीखने जा सकता हूँ या कहीं ऑडिशन देने जा सकता हूँ या मैंने क्या अभी तक लर्न किया वो मैं कहीं स्टेज मेरे को मिले तो मैं वहाँ अपना टैलेंट शो कर सकता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी सभी को, फीमेल एंड मेल कंटेस्टेंट दोनों, मेल भी अभी आने वाले हैं सबको। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मिसेज का, जैसे नगमा ने कहा अभी, बहुत अच्छी बात है कि मिसेज के साथ साथ ना इतना टैलेंट है मिसेज और जो 50+, 62+ कि अब जो उस टाइम पे ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे जब वो लाइक हमारी एज में होंगे 25-28 तब, तो अब उनको सारी जिम्मेदारियां उनकी पूरी हो चुकी हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो अब वो उनको अपना जो भी ड्रीम रहा था उस टाइम कि मैं डांस करती या ऐसे इवेंट होते थे मैं वॉक करती या मैं मॉडलिंग करती है, तो वो अब पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं या जो लोग कहीं से भी किसी को पता चलता है तो आप सब ज्वाइन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपना टैलेंट शो कीजिए। हो सकता है आप बहुत कुछ अचीव कर लें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा मानना ये। दिल को तेरी याद आ। तो आई वुड लाइक थैंक टू निशा जी, स्नेहा जी की इनवाइट किया उन्होंने मुझे इस फिल्मेंट के लिए, और बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, नॉट मिस्टर एंड मिस बल्कि मिसिज को भी। यहाँ बारिश हो रही है और काफ़ी सीनियर सिटीजन भी आए हैं 60+ भी, जितनी बारिश में इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए, तो इससे ये देखने को मिलता है कि कितने लोग टैलेंटेड और कितने लोग एक्साइटेड हैं अपने आप को और ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, और कितने मोटिवेटेड है। जब यहाँ पे आते हैं कोई भी पार्टिसिपेट करने वाले तो हम चाहते हैं कि हम उनको सिखाएं, कुछ बेहतर सिखाएं, लेकिन यहाँ उनको देखकर हम खुद सीख रहे हैं कि वो एक 60+ एज में आने के बाद भी कितने मोटिवेटेड है, कितने अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी शो जज किए हैं लेकिन ऐसा मिसिज वाला मैंने पहली बार किया है जिसमें 50+ जो है लोग वो आ रहे हैं। तो मैं खुद उनको देखकर मोटिवेट हो रहा हूँ कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है, आप आइए, अगर आप में टैलेंट है तो उसको दिखाइए तो दुनिया वाले आपको सलाम करेंगे। सर भाई, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ स्नेहा जी और निशा जी का जो मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड मिस्टर मिसेस एंड मिस इंडिया आइकॉनिक पर्सनैलिटी 2019 ये एक प्लेटफॉर्म है। Best with grooming, so give me and let me associate with you as a grooming partner. So this will be my first on board grooming thing, though I do train contestant on the off board like, but on board with an big event like this, I'm done with this, I'm coming in this industry, so I'm really happy with it. Yeah. हाँ, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी निशा और स्नेहा को कि उन्होंने जो यंगस्टर्स को फॉर एवरीवन मिस मिस्टर एंड मिसेस सबको जो प्लेटफॉर्म दे रही है, जो ये इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें पता है कि ये प्लेटफॉर्म अपने आप में ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो ये ब्लेसिंग जो मिल रही है कंटेस्टेंट को उनके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। और एज ए डर्मा एस्थेटिशियन एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, अगर किसी भी कंटेस्टेंट को हमारी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो वी आर देयर, वी आर कॉल अवे। और निशा एंड स्नेहा, थैंक यू वेरी मच, आज मुझे आपको इस ब्यूटी पेजेंट को जजिंग करने के लिए बुलाया, आई एम एंजॉइंग अ लॉट, थैंक यू सो मच। पलक मैम, आपने क्या कहते हैं जज भी किया, आपने वॉक भी किया, आपने डांस भी किया, आपने काम बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बाकी तीनों शो के लिए सूरत, अहमदाबाद और राजकोट के काम अच्छे हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे सपोर्ट, आगे भी कंटिन्यू सपोर्ट हमारे। हाँ, स्नेहा जी और निशा जी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक पैकेज, तो बहुत अच्छा प्रयास है, वी ऑल अप्रिशिएट स्नेहा फॉर दिस लवली लवली थिंकिंग, लवली स्टेप, मिस इंडिया और ये सब तो हम सुनते रहते हैं, बट मिसेस ये वर्ड जुड़ने से बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और
बीइंग एन आर्टिस्ट आई एम ऑल्सो सिंगर शी इज दीपिका शी इज फैंटास्टिक सिंगर सो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है जितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं हम देख रहे हैं वी आर एंजॉइंग और वी आर वेरी इंस्पायर्ड विथ लॉट ऑफ पीपल हियर कि इतने इतने अलग अलग जगहों से सब आए हैं और इनका काम ये बहुत काबिले तारीफ है बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं सूरत की जवाबदारी मुझे नेहा जी ने दिए तो मैं चाहूँ कि बेहतर जितना हो सके उतना सूरत के लिए मैं मेहनत करूँ और ये बात है क्योंकि ये इनिशिएटिव जो उसने लिया है जब उसने सोचा तभी से मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि कम वोट में यू शुड गो अहेड कि एक अननोन फील्ड में ऐसा करने का क्योंकि शी हैज़ बीन टू ए पार्टनर मेकअप पार्टनर फॉर सो मेनी इवेंट्स लेकिन उसने खुद ने ऑर्गेनाइज शी इज़ डूइंग फर्स्ट टाइम तो शुरुआत तो उसने अकेले से ही की थी स्नेहा जी भी बाद में ज्वाइन हुई तो तभी से मैंने उसको सपोर्ट किया था कि ट्राई कर लो कि एक अच्छा काम सोच रहे हो क्योंकि इसमें दो उनके मोटिव है जो यहाँ हाईलाइट एक ही हुआ है कि बड़ी उम्र की मतलब जो मिसिस है उनको प्रमोट करना है उसके अलावा ये जो फिनाले है वो अहमदाबाद में रखने का रीज़न ये है कि शी इज बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम गुजरात ओके सो उनका ये ऐसा अनुभव भी हुआ है कि कभी कभी वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं जैसे ये लड़का बैठा है ये गुजरात से है ठीक है तो उन लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या मुंबई आना पड़ता है ये प्लेटफॉर्म लेने के लिए तो उनको वहाँ बैठे ही उनकी टैलेंट को एक्सप्लोर करें उनको प्रमोट करें तो ये दूसरा रीज़न था अदरवाइज फिनाले यहाँ भी हम तो मुंबई में रहते फिर भी वहाँ किया है सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ ये करके वहाँ की टैलेंट को बाहर लाए उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे उसके अलावा दूसरा उसका एक मकसद ये भी है कि जो गुजरात में जो भी स्त्रियां हैं स्त्रियां मतलब जो लेडीज़ है जो मैरिड है और उन्होंने अपने घर के फैमिली को संभालते हुए कुछ समाज में अगर कुछ योगदान दिया है तो उनको भी रिकग्नाइज़ करें तो उनके लिए स्पेशल अवार्ड रखा गया है ये फिनाले में कि जिसको नाम दिया है नारी रत्न अवार्ड और वो टैलेंट हंट जो है वो चल रहा है तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा कोई अच्छी डिग्निटरी के हाथ से और थर्ड है कि आज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया पानी का प्रॉब्लम बहुत है आज अच्छा हुआ है कि ये पहले दिन पे अपना बारिश हुई है भगवान ने आशीर्वाद शायद दिया है लेकिन ये बारिश का मतलब पानी का बहुत प्रॉब्लम है तो उसका भी एक कैंपेन चला रहे हैं और जो ये फिनाले होएगा उसमें थीम रखा जाएगा कि हाउ टू सेव वाटर सेव लाइफ सो दिस आर द थ्री बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस वेंचर तो मेरा उनको खूब तो ऑल द कंटेस्टेंट्स जीते हैं वो लोग के लिए है सो दे आर डूइंग वेरी गुड आई हैव सीन देम राइट नाउ डूइंग जो भी कर रहे हैं लोग अच्छा कर रहे हैं एज अ फोटोग्राफर या वी आर स्टिल वेटिंग के मेरा फाइनलिस्ट आए फिर हम लोग You know, me and my team can click them or get